लोग की शुरुआत भी कर लेते हैं। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मौसम की बात करें, बहुत ही प्यारी धूप लगी हुई है और इस धूप के साथ साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आसमान पर बिल्कुल भी एक भी बादल नज़र नहीं आ रहा है और कुछ टाइम तक तो यहाँ हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, लेकिन आजकल हवा भी नहीं चल रही है, तो बहुत उमस भरी गर्मी भी हो पड़ रही है दिन में। चाचा जी आए हैं दादी से मिलने के लिए, क्योंकि दादी की तबीयत आजकल बहुत खराब चल रही है। तो चाचा जी हिमाचल से आए हैं दादी से मिलने के लिए। तो चाचा जी, दादी की हालत तो भयंकर ही हो रखी है। बस दादी की वह तो ये है कि देखो अब कब तक काम होता है। चलो परमात्मा हुआ है ना, हाँ। देखते हैं बाकी। चलो सेवा भाव ठीक हो रहा है, सब कुछ दवाई भी चल रही है, बाकी देखते हैं कब तक काम होता है। माँ जी के साथ जो है करेंगे, बैठेंगे, है ना। बाकी चलो क्या पता चलता है कि साल कब तक दादी जी मुझे बोल रही है कि मतलब अपने फोन पे मेरी फोटो ले जा तो भूल जाएगा कि दादी कैसी थी, इसलिए याद रहेगी कि दादी की फोटो देखूंगा तो दादी की याद आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, YouTube पे सारी वीडियो है तो उसमें हमेशा के लिए वो ऐसा होता है ना। और दादी बोल रही कि दोनों भाई एक साथ रहो, एक साथ फोटो लो, तो पापा भी आ गए हैं। तो दादी नाश्ता कर चुकी है और अभी अंदर पापा और चाचा जी नाश्ता कर रहे हैं। तो हम लोगों की तैयारी है अभी मार्केट जाने की, तो चलते हैं सभी लोग मार्केट। भाभी भी चल रही है, मैं भी जा रही हूँ, हमारे साथ आंसू भी चल रहा है। तो यहाँ पे दादी लेट रखी है, आराम कर रही थी अभी तक, और आंसू भी आ गया था गांव से। और आंसू कैसी रही रुपाई? रुपाई बहुत अच्छी रही, वैसे तो हमने ब्लॉग में देख ही लिया था। अभी मार्केट जाते हैं, उत्तरकाशी का मार्केट देखते हैं कैसा है। हाँ आंसू, उत्तरकाशी मार्केट में नहीं घूमे तो आज घूमते हैं। आंसू काफी टाइम से उत्तरकाशी के मार्केट में नहीं गया है, तो उसने बोला कि चलो मार्केट घूम के आते हैं। लाइफ में फर्स्ट टाइम ही होगा शायद आज मार्केट जाना। हाँ तो ये शायद फर्स्ट टाइम ही जाएगा उत्तरकाशी के मार्केट। और मम्मी यहाँ बैठी हुई है और पापा भी तैयारी में है मार्केट जाने की, और दादी यहाँ पे आराम कर रही है। क्या भूख लग गई? अरे दादी कह रही है कि आंसू को भूख लग गई। आंसू भूख लग गई तुझे? हाँ मेरे को भूख लगी, मैंने चार बार खा लिया, दादी भूल रही है। तो बोल किन रहा की भूख लग गई? कितनी बार बोल रहे, मैंने बोल बोल के परेशान हो गया। तो यहाँ पे आंसू दादी को बोल तो रहा है कि मैंने खा लिया था खाना, मुझे भूख नहीं है, लेकिन दादी लगी है कि भूख लगी है। भूख नहीं बल नहीं बल भूख लगी। दादी को भरोसा ही नहीं हो रहा, और दादी को भरोसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसको बहुत ज्यादा भूख लगती थी पहले, तो दादी को वही आदत है अभी भी कि इसको भूख लगी है और ये बोल नहीं रहा है। तो अब निकलते हैं घर से, और भाभी को चप्पल ही नहीं मिल रही है, तो अपनी चप्पल ढूंढ रही है, अभी तक नहीं मिली चप्पल। तो भाई पता नहीं है, सामने रखी हुई चप्पल है, पता नहीं नजर ही नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप? आप कहाँ जा रहे हो? भाभी जी मोमोज खाने जा रही है। और यहाँ पर ये किसी का किचन गार्डन है, जहाँ पर एक तरफ तो छेमी लगा रखी है और इस तरफ आलू लगा रखे थे जो निकाल दिए हैं।
और मैं तो आगे आ गई थी, लेकिन भाभी और आंसू यहाँ पीछे फंस चुके हैं। और भाभी तो निकल गई लेकिन आंसू अभी भी पीछे फंसा हुआ है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे दोनों। तो अभी भाभी आई है यहाँ पर टी शर्ट देखने के लिए। तो पसंद आ रहा आपको कुछ? कुछ नहीं आ रहा, देखो पसंद करने आए टी शर्ट और यहाँ लोअर देखे जा रहे हैं। और भाई हम दोनों के पास तो पैसे है नहीं, तो हम यहाँ पे खाली खड़े हो रखे हैं, भाभी को देख रहे हैं शॉपिंग करते हुए। भाभी ने मेरे लिए टी शर्ट ली है और ये अपने लिए शॉपिंग करने आई थी और मुझे भी शॉपिंग करवा दी है। तो आंसू गिफ्ट मिल गया है, आंसू को क्या चाहिए? चाहिए बस, आपने पूछा ये बहुत है। नहीं आंसू को अभी हम ट्रीट देंगे, अभी अच्छी ट्रीट देंगे। आंसू को भी पार्टी मिलेगी? नहीं नहीं बस, बहुत बहुत धन्यवाद, तो फर्ज हमारा बनता है आपको पार्टी दे रही है। तो भाई यहाँ पे पैकिंग हो रही है हमारी टी शर्टों की, तो अब कुछ खाने के लिए जाते हैं। ये दोनों यहाँ पे आके क्या देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने नोट चिपका रखे हैं। अब वो चीज़ तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि क्यों चिपका रखे हैं। तुम्हें पता है किसी को क्या? कि ये क्यों लगा रखे यहाँ पे? इनके पास बहुत ज्यादा पैसा था। अच्छा, इनके पास बहुत सारा पैसा था लेकिन यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ सामने दीवार पे बहुत ही अच्छी फोटोज लगाई हुई है। अभी हम लोग अपनी स्कूटी लेने जा रहे हैं। और भाई इस बंदर को देखो कितने ऊपर जा रखा है यहाँ। यहाँ पे मोनिका आई है मेरी स्कूटी की चाबी देने। नमस्ते मैम, और यहाँ सबसे मिल रही है। तो भाई ये रही स्कूटी की चाबी। मोनिका तो क्यों नहीं लेके आई? इसको बहुत डर लगता है मेरी स्कूटी चलाने में। तो चले आंसू, ये चाबी पकड़ो और चलते हैं अब घर के लिए। अभी टाइम से गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करवाई तो इसके ब्रेक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो देखते हैं आंसू को पता चल जाएगा कि क्या क्या दिक्कतें हैं उसमें। यहाँ से सामने का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। तो चलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो आंसू ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ से हमारे घर के लिए शॉर्टकट रास्ता जाता है। तो ये सामान लेते हैं यहाँ से। और आंसू भी बोल रहा है कि इसकी ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लग रही, तो वो यहाँ से कुछ कर रहा है, मुझे तो नहीं पता कि क्या होता है। तो यहाँ से कुछ टाइट कर रहा है। तो यहाँ से कहाँ जा रहा? बाजार। क्यों? ठीक है जल्दी आना, देख लग रहा है थोड़ा ब्रेक। ठीक है बाय, जल्दी आना। तो चले भाभी। तो ये हमारे घर के भी यहाँ शॉर्टकट रास्ता। तो पहले हम यहीं किराए पे रहते थे और आज यहाँ सारी दुकानें बंद हैं। तो ये है वो मकान जहाँ हम पहले रहते थे किराए पे। यहाँ से छोड़ने के बाद हम सीधे अपने ही मकान में चले गए थे, तब तक हमारा मकान बन चुका था। तो ये नहर वाला रास्ता है जो हमारे घर के लिए जाता है। तो यहाँ किसी ने ये आग जलाई होगी कबाड़ा जलाने के लिए, और इसी की चपेट में आके ये लकड़ी भी जल चुकी है यहाँ पे पूरी। लोग घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भाई कार्तिक ने तो सबके बुरे हाल कर दिए हैं रो रो के। तो हमें जल्दी जल्दी में भागना पड़ा, वो तो अच्छा था कि गाड़ी थी अपनी तो जल्दी पहुंच गए। क्यों भाभी? और अभी मम्मी उसको चुप करा रही है। यहाँ पर दादी और नानी बैठे हुए हैं और गुस्सा कर रहे हैं हम पे, क्यों रो रहे हैं, तुम लोग कहाँ गए थे।